होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस द्वारा सभी जिले में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए। मंगलवार को मंदसौर जिला कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमघट लग गया। प्रभारी बटुक शंकर जोशी ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से वन टू वन चर्चा की। जोशी ने बताया है कि सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ता से घर घर जाकर चर्चा होगी, वही समन्वय के आधार पर कांग्रेस का टिकट वितरण होगा। मामले में प्रभारी बटुक शंकर जोशी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश मोदी ने। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लगभग कांग्रेस पार्टी ने सभी जिले में अपने प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मंदसौर के प्रभारी बटुक शंकर जी जोशी मौजूद है। बटुक शंकर जी से बात करते हैं। बटुक शंकर जी, किस तरीके से इस बार जो चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरीके से लोगों को टिकट दिया जाएगा? देखिए, आप देख रहे हैं कि हमारे साल भर से नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव के लिए कांग्रेस की अपनी तैयारी है। इस साल बूथ लेवल पे और बड़े ही सभी ग्रुप को साथ लेकर सभी लोगों को, जो वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे यहाँ के नेता हैं और यहाँ के जो वरिष्ठ बुजुर्ग कांग्रेसी, जो सीनियर कांग्रेसी, उनसे भी घर घर जाकर चर्चा की जाएगी, बातचीत की जाएगी और समन्वय के आधार पर कांग्रेस का टिकट वितरण होगा। कहीं कहीं जिस तरीके से देखा गया है कि कांग्रेस में एक या तो परिवारवाद चलता है या गुटबाजी या वरिष्ठ नेताओं का कुछ मार्गदर्शन रहता है, तो क्या इस बार ऐसे दावेदारों को आप टिकट देंगे या कमलनाथ जी का इस बार कुछ नया सोचा है? कमलनाथ जी का निर्देश है कि परिवारवाद के आधार पर किसी को टिकट नहीं दिए जाएंगे। यहाँ एक भी ऐसा आदमी, एक नंबर वार्ड से 40 नंबर वार्ड आपके सामने हैं, एक भी ऐसा नहीं है किसी ने अपने परिवार के लिए टिकट मांगा हो। सबसे अच्छी बात है, हर जाति, हर समुदाय, हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाएगा। तो जाति और वो मतलब परिवार के आधार पर हमारी पार्टी में अभी टिकट देने की कोई परंपरा नहीं है। अगर परिवार का वो वही आदमी उपयुक्त है तो उसे जरूर टिकट दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस तरीके से बटुक शंकर जी का कहना है कि जो कमलनाथ जी की जो मंशा है कि जो जमीनी कार्यकर्ता उन कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाएगा, तो उसी के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव के जो दावेदार हैं उनको टिकट मिलेगा। कमलेश मोदी, INX News, मंदसौर।